गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। सो टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट चालू करने के पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा अबाउट पीएच। तो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 0 to 14, और उसका जब हम डिवाइड कर देते हैं तो टू पार्ट्स में 0 to 7 एंड 7 to 14। तो 0 to 7 इट मींस सैंपल क्या है आपका? एसिडिक इन नेचर। वहीं पे 7 to 14 तो क्या है? बेस, क्षार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 7 क्या है? न्यूट्रल पीएच। 7 इंडिकेट्स न्यूट्रल पीएच। ठीक है, चलिए। तो हियर वी आर विद एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड्स। सो दीज आर ऑल द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। आगे हम बढ़ते हैं। तो देर आर वेरियस थ्योरीज टू एक्सप्लेन एसिड्स एंड बेस। आर्हेनियस थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है, लुइस एसिड बेस थ्योरी है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। सो सबसे पहले जानना होगा कि आर्हेनियस कौन थे। आर्हेनियस वॉज ए स्वीडिश केमिस्ट। कहाँ के थे? स्वीडिश केमिस्ट थे। बेसिकली आर्हेनियस ने बताया कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। An acid is a substance that dissociates in waters to form hydrogen ion. For example, अगर हम HCl का केस लेते हैं तो in presence of water it forms H+ and chloride ions. In general, HA in presence of water इट फॉर्म्स H+ and A- ions। तो ये क्या है? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड इंडिकेट्स दैट एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, देन वी मूव टूवर्ड्स एसिड्स। तो HCl देखिए, एक होता है मोनोबेसिक, एक होता है ट्राई बेसिक, एक होता है ट्राई बेसिक एसिड। सो हाउ वी विल नो दैट दिस एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड, दिस बेसिक इज अ ट्राई बेसिक एसिड एंड दिस इज अ ट्राई बेसिक एसिड सैंपल। हाउ वी विल डिटरमाइन दैट दिस सैंपल कंटेन्स विच टाइप ऑफ एसिड्स? सो मोनोबेसिक एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली मोनोबेसिक एसिड्स की जब बात करते हैं तो दैट डोनेट्स वन हाइड्रोजन आयन। और वहीं जब हम बात करते हैं डाई बेसिक एसिड्स, इट मींस दैट सैंपल डोनेट्स टू हाइड्रोजन आयन्स। सिमिलरली अगर ट्राई बेसिक एसिड की बात करते हैं, ट्राई बेसिक एसिड इट मीन्स दैट सैंपल डोनेट्स 3 हाइड्रोजन आयंस। फॉर एग्जांपल, चाहे HCl हो या फिर HNO3 हो, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि H+, अगर HCl का केस है तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डिसोसिएट्स टू फॉर्म H+ आयन एंड NO3- आयन।
तो H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स इट्स ए मोनोबेसिक एसिड, चाहे HCl हो चाहे HNO3 हो, क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड। वहीं पे जब H2SO4, तो जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर डिसोसिएट्स टू फॉर्म टू हाइड्रोजन आयन, इसीलिए लिखा है टू एच प्लस आयन, तो टू हाइड्रोजन आयन्स का फॉर्मेशन होगा, टू हाइड्रोजन आयन्स डोनेट हो रहा है, तो फर्दर इट इंडिकेट्स दैट दिस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। सिमिलरली H3PO4 की जब बात करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म 3H+ आयंस एंड PO4 2 माइनस, और चूंकि H3PO4 से 3H+ आयंस डोनेट हो रहा है, इसी वजह से चूंकि 3 हाइड्रोजन आयंस डोनेट हो रहे हैं H3PO4 से, इट इंडिकेट्स दैट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक एसिड। फर्दर आपको एक चीज और बताना चाहूँगा, वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो भी होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन विच डिसोसिएट्स फुल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन एडिशन ऑफ वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हैं जो पानी की उपस्थिति में पूरी तरह टूट जाते हैं। HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डिसोसिएट्स टू फॉर्म H3O+ आयंस एंड क्लोराइड आयंस। वहीं पे जब हम वीक एसिड की बात करते हैं तो डेफिनेटली वीक एसिड इज वन विच हैज़ नॉट द कैपेसिटी टू डिसोसिएट्स इन वाटर, मीन्स पानी की उपस्थिति में जो भी वीक एसिड होते हैं, इट डेफिनेटली डज नॉट डिसोसिएट फुल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब हम इथेनोइक एसिड CH3COOH का एग्जांपल लेते हैं तो CH3COOH इथेनोइक एसिड वाटर के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म H3O+ आयन हाइड्रोजिनम आयंस प्लस CH3COO- एसीटेट आयंस, ठीक है। Here we are with the examples of bases, common examples of bases जो normally हम हर जगह देखते हैं, NaOH, caustic soda, sodium hydroxide, calcium hydroxide, CaOH का whole cut twice, चूने का पत्थर, ammonia, NH3, sodium carbonate, Na2CO3, so NaOH, calcium hydroxide, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, दीज आर ऑल द कॉमन बेसिस। नाउ वी मूव्स टुवर्ड्स द आरहेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। आरहेनियस थ्योरी के हिसाब से बेस क्या है? एसिड आपने समझा कि नहीं? एसिड क्या है? एसिड के लिए क्या था कि ऐसा सैंपल जिसको कि हमने पानी की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया तो इट विल फर्दर डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। यहाँ पे बेस की जब बात करते हैं तो वाटर में के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो इट विल फर्दर डिसोसिएट्स टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन, इसीलिए लिखा है ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस OH- आयन इज नोन एज ए बेस अकॉर्डिंग टू आरहेनियस थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल जब हमने कॉस्टिक सोडा को वाटर के प्रेजेंस में और इन एडिशन विथ वाटर हमने देखा Na+ आयन मेटल आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन्स में डिसोसिएट हुआ।
Here also, a strong base is one which dissociates fully in water. Means, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो स्ट्रॉन्ग तभी कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग तभी कहलाएंगे जब जब उनमें पानी की उपस्थिति में कंप्लीट डिसोसिएशन प्रोसेस होगी। हियर वी आर आर्हेनियस थ्योरी। हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यू विल ऑब्जर्व या यू विल सी दैट हियर वी आर कंबाइनिंग एसिड एज वेल एज बेस। हियर एच ए इंडिकेट्स एसिड, एच सी एल एच प्लस प्लस ए माइनस आयन, एक्स ओ एच एक्स विल बी ए मेटल एंड ओ एच माइनस आयन, तो X प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन। ये सारी रिएक्शन प्रोसेस किस में हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ ए वाटर। तो हमें क्या बना, एसिड और बेस को ऐड कर दिया, एच ए प्लस एक्स ओ एच, तो क्या बना ए एक्स सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट, और H प्लस एंड ओ एच माइनस आयन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। दिस इज आर्हेनियस कंबाइनिंग थ्योरी। हियर वी आर विद हाइड्रोनियम आयन। सो सबसे पहले हम जाने कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। हाइड्रोजन आयन्स एच प्लस आयन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और whenever एसिड dissociates, the एच प्लस आयन reacts with water molecules। जब जब एसिड डिसोसिएट होते हैं तब तब हाइड्रोजन आयन्स रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो क्या है, एच प्लस आयन जो एसिड के डिसोसिएशन से बना है, एच प्लस आयन फर्दर फिर से जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एच थ्री ओ प्लस आयन। तो H3O प्लस आयन इज नोन एज ए हाइड्रोनियम आयन। ओके, हियर वी आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी समझने के बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इन 1923 जॉन्स जोहानस ब्रॉन्स्टेड हुआ से डेनिश केमिस्ट and Thomas Lorry, an English chemist, proposed a new definition of acids and bases. Here we are with the Bronsted-Lorry theory. Bronsted-Lorry theory. An acid is a substance that donates proton, hydrogen ions. Acid एक substance है that donates proton, H plus ions. और वेर एस ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटोन। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी बापों का भी क्या है बाप है। मतलब बाप से क्या हो गया, बा से हो गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और पा से क्या हो गया, प्रोटोन। क्या हुआ, प्रोटोन। इसलिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी को याद करने के लिए क्या करिए, बापों का भी बाप है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स प्रोटोन एंड एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटोन। एसिड डोनेट्स प्रोटोन, बेस एक्सेप्ट्स प्रोटोन। तो बी ए पी बाप, बी बेस, ए एक्सेप्टर, पी प्रोटॉन्स। तो बेस क्या एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन्स एक्सेप्टर। एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स डोनर। क्या है, प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन्स को डोनेट कर रहा है। वहीं बेस क्या करता है, बेस एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन, ठीक है, एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी।
तो ब्रोंस्टेड को क्या था, ब्रोंस्टेड लॉरी को क्या था, लॉरी लॉरी गा रहा था, और ब्रोंस्टेड को किससे प्यार था, बच्चों से, किससे प्यार था, बच्चों से, और यहाँ बच्चा कौन था, ए चाइल्ड वॉस ए प्रोटोन, क्या था, प्रोटोन था। इसीलिए ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटोन एंड बेस इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स प्रोटोन। एसिड प्रोटोन डोनर, हियर वी आर विद द एग्जाम्पल्स ऑफ HCl ऑन रिएक्शन विद H2O फॉर्म्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस आयंस। तो HCl में हम देख रहे हैं डोनेट से प्रोटोन मीन्स H हट जा रहा है, Cl माइनस आयन फॉर्म हो रहा है, और H2O एक्सेप्ट से प्रोटोन H3O प्लस आयन फॉर्मेशन हो रहा है। तो HCl डोनेट्स ए प्रोटोन एंड सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एसिड, और H2O इन दिस केस एक्सेप्ट्स ए प्रोटोन। H2O क्या कर रहा है, पानी का वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट्स ए प्रोटोन एंड सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बेस। ठीक है, इज इट क्लियर। सिमिलरली HNO3 को जब हम वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, H2O और NO3 का HNO3 का H मिला के क्या बनाने, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन और NO3 माइनस आयन अलग हो गया। सिमिलरली जब H2SO4 की बात करते हैं ऑन एडिशन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स इट विल फॉर्म H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। सिमिलरली HSO4 माइनस आयन को जब हमने वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस प्लस SO4 2 माइनस। वहीं पे जब हम बेस विच इज अ प्रोटोन प्रोटोन एक्सेप्टर्स, बापों का भी बाप, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर्स, बेस एक्सेप्टिंग द प्रोटोन, those substances which accepts the proton is known as a base, Bronsted Lowry theory। तो NH3 plus H2O, यहाँ देख रहे हैं NH3 क्या फॉर्म कर रहा है, NH4 plus ions, means NH3 ammonia accepts a protons to form NH4 plus ions, और वहीं पर H2O donates a protons to form OH minus ion। ठीक है, तो NH3 चूँकि एक्सेप्ट से प्रोटोन सो एक्ट्स एज ए बेस, वहीं पे H2O इस केस में क्या हो रहा है, डोनेट से प्रोटोन एंड सो हियर H2O वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट्स एज एन एसिड। सो व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, हाउ वी विल डिफाइन एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, any substance that can act as both an acid and a base is called an amphoteric substance। ऐसा substance जो कि acid की भी तरह काम कर सकता है as well as base की भी तरह कर सकता है, मतलब acid and a base दोनों का काम करे, ऐसे substance को क्या बोलेंगे, amphoteric substance। सो एसिड बेस रिएक्शन में HCl क्या कर रहा है, क्लोराइड आयंस का फॉर्म कर रहा है, मीन्स H प्लस डोनेट कर रहा है, और NH3 एक्सेप्ट प्रोटॉन्स एंड फॉर्म्स NH4 प्लस आयन अमोनियम आयंस। दिस इज एसिड बेस रिएक्शंस। आगे बढ़े हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, उदासीनीकरण। तो रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड ए वाटर। जब जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं इट विल फर्दर यील्ड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब जब हमने एसिड और बेस का रिएक्शन कराया तो सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ,
मीन्स HCl NaOH का रिएक्शन कराया तो NaCl एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ। सिंस द एसिड एंड पीएच डिसोसिएट्स इन वाटर, इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस प्लस सी एल माइनस प्लस एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस, तो क्या बना एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस आयन प्लस एस टू ओ। और एन ए प्लस और सी एल माइनस आयन लेफ्ट में भी है राइट में भी है तो कैंसिल्ड हो जाएंगे ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ हम देख रहे हैं एच प्लस प्लस ओ एच माइनस विल यील्ड टू प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन reactions. Here we are conjugate acid base pairs. Conjugate acid base pairs. Acids and base exist in the form of a pairs called as a conjugate acid base pairs. Just an example, acetic acid CH3COOH वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस, क्या बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल से एच ऐड होके क्या बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ प्लस आयंस। इसी तरह जब हम अमोनिया का रिएक्शन कराया वाटर मॉलिक्यूल से तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कंजुगेट एसिड, क्या बनेगा बेस से क्या बना कंजुगेट एसिड ऑन एडिशन विथ वाटर तो क्या बनाया NH4 प्लस आयन कंजुगेट एसिड। और फर्दर एग्जांपल देखते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑलरेडी एसिड है और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाया तो एसिड से H प्लस आयन रिमूव होगा तो क्या बनाएगा HSO4 माइनस, क्या हो गया ये कंजुगेट बेस। और वहीं H3O प्लस आयन क्या हो गया कंजुगेट एसिड, क्योंकि H3O प्लस आयन ने क्या किया हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया कंजुगेट एसिड। सिमिलरली अमोनिया को जब हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाए तो क्या बना अमोनिया यहाँ बेस था फॉर्म क्या हुआ NH4 प्लस अमोनियम आयन दैट एक्ट्स एज ए कंजुगेट एसिड, मीन्स अमोनिया वहीं पे बेस है लेकिन अमोनियम आयन्स आपके क्या हैं कंजुगेट एसिड, ठीक है। और HS माइनस क्या हो गया कंजुगेट बेस, क्या हो गया कंजुगेट बेस, और इसका इसका एसिड क्या होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।